हे गाइस, स्वागत है चैनल मेरे इंट्राडे गाइड। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट जिस तरीके से गिर रही है, हम देख रहे हैं हाई लेवल्स में जाने की कोशिश करती है मार्केट और वहां से दोबारा फिजल आउट हो जाती है। गाइस, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रही है, ये बुल रन कब आएगा, ये जो बुल रन है हम देख रहे थे कि जो एक बुल फेस चल रहा था मार्केट पे 12,000 तक गया, वहां से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस फॉल आ रहा है मार्केट के अंदर। गाइस, ये जो गिरावट है, ये गिरावट कब तक चल सकती है, इसका मीडियम टर्म सपोर्ट कहाँ है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट कहाँ है, ये सारी चीज़ें हम निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स में आज पता करेंगे। साइड बाय साइड हम देख रहे हैं कि हर दिन मार्केट में ये पर्टिकुलर स्टॉक्स बहुत वॉलेटाइल काम कर रहे हैं। हम देखते हैं लोअर लेवल्स में खुलते हैं, उसके बाद फिर रिकवरी आ जाती है और रिकवरी में कुछ सर्टेन पॉइंट्स में जाके वो दोबारा नीचे गिरना शुरू कर देते हैं। मार्केट के साथ ही चल रहे हैं ज़्यादातर स्टॉक्स। तो गाइस, इस तरीके से हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, कौन से टारगेट्स और स्टॉप लॉस के साथ हमें पर्टिकुलर स्टॉक्स में काम करना चाहिए, किस पर्टिकुलर बाय लेवल पे हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, तो हम इस वीडियो पे आज बात करेंगे। गाइस, 24th of July को वेडनेसडे के दिन, यानी कि कल, आज मैं 23rd of July को वीडियो बना रहा हूँ। कल हमें किस तरीके से मार्केट में कौन से स्टॉक्स के साथ अपनी पोजीशन को रखना होगा, और साइड बाय साइड कल निफ्टी बैंक निफ्टी में, और अगर हम बात करें अब जो नई एक्सपायरी शुरू होगी उसकी, हम तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड लेकर चले। तो गाइस, सबसे पहले बढ़ते हैं पांच स्टॉक्स की तरफ, फिर हम बढ़ेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं NTPC, बाय करने की सलाह दी जाएगी। ये पर्टिकुलर स्टॉक है ये जो ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहता, हम देखते हैं मार्केट के थ्रू, सो आपको बाय करने की सलाह दी जाएगी। करंट मार्केट प्राइस इसका 133 है। अगर आपको ये लोअर लेवल्स में मिलता है, अगर आपको 130 के आसपास भी मिल जाता है, तो भी आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर सकते हैं। टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 135.60, 137 तक के एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पॉसिबल है कि अगर ये कल ही आ जाए, अगर ये कल नहीं आता तो जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है, ये परसों तक ज़रूर आ जाएगा। बर्जर पेंट्स बाय करने की सलाह दी जाएगी। हमने देखा था कि बर्जर पेंट्स ने लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई और डेली चार्ट में इसने अपने सारे मूविंग एवरेजेस को तोड़ के क्लोजिंग दिया। जी गाइस, सारे मूविंग एवरेजेस को तोड़ के आज बर्जर पेंट्स ने अपनी क्लोजिंग दिया, तो एक ये बाय काउंटर बनता है। करंट मार्केट प्राइस जो है इसका 314.5, यानी कि 314.5 है। पर गाइस, आपको सलाह ये तभी दी जाएगी जब ये 315 के ऊपर ट्रेड करता है। पर गाइस, मैं आपको सबसे पहले अपने जिस तरीके से मैं आपको स्टॉक्स देता हूँ, मैं आपको पहले बता देता हूँ, जब आपको कोई बाय लेवल दिया जाता है तो उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर या 5 या 10 15 मिनट तो सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टॉक्स होते क्या हैं, ये होते हैं कि अपने हमारे बाय लेवल को टेस्ट करेंगे, वहाँ से जैसे ये चला जाएगा स्टॉक 315.10, आप लोग सोचोगे अब हमें बाय करना है, और वो वहीं से तुरंत नीचे आ जाएगा। सो गाइस, अगर ये एक बार 315 को क्रॉस करता है तो वेट करिए, ये दोबारा नीचे आएगा, आपको एक बार बाइंग का लेवल देगा, उसके बाद जब ये 315 का लेवल क्रॉस करता है तब हमें इसमें अपनी पोजीशन बनानी होगी, क्योंकि गाइस मार्केट अभी सस्टेनेबल नहीं है। आप अच्छा खासा ट्रेड अगर लेंगे तो आप फंस सकते हैं, हो सकता है कि ये आपको फंसा दे पर्टिकुलर स्टॉक, तो आपको सलाह यही दी जाएगी कि आप इसे अभी बिल्कुल अबव लेवल के ऊपर ही बाय करिए। टारगेट जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 317-319 के, कई टारगेट्स आपको थोड़े पास के दिए जा रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर स्टॉक्स में होता ही है कि जिस जो हमारा टारगेट होता है, जिस तरीके से हम चार्ट में फाइंड करते हैं कि ये हमारा पर्टिकुलर टारगेट है, होता ही है कि पर्टिकुलर टारगेट से थोड़ा सा पैसा नीचे, 10 पैसा 20 पैसा नीचे जाके वहाँ पर हाई मार के वो तुरंत नीचे आ जाता है। सो उसकी वजह से होता ही है कि हमारे टारगेट्स मीट नहीं हो पाते। सो इस जब तक मार्केट अभी सस्टेनेबल नहीं है, आपको जब भी ट्रेड ले तो अपने मार्केट वॉच में ज़रूर रखिए कि आपके टारगेट के आसपास आए तो आप वहाँ से तुरंत एग्जिट कर लीजिए, फुल टारगेट के लिए बिल्कुल भी वेट ना करिए। वोल्टास बाय करने की सलाह दी जाएगी। 589 का करंट मार्केट प्राइस है, 590-590.5 के ऊपर निकलता है जैसे सस्टेन करता है, तो आप इसमें बाय करके चल सकते हैं। 594-600 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गई थी, पर अभी थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं कि ये छोटा मोटा रिकवर कर सकता है तो 600 तक के लेवल्स तक ये जा सकता है, उसके बाद हम अपनी एक सेलिंग पोजीशन वोल्टास के अंदर दोबारा इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 582 के कर रहे हैं, सो आपको इसमें केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा। टाइटन बाय करने की सलाह दी जाएगी। पिछली वीडियो पे भी मैंने आपको बाय करने की सलाह दी गई थी, आपको 1111 तक के टारगेट्स थे जो आज इंट्राडे पे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने मीट कर दी है। अभी हमने देखा है कि 1100 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, क्योंकि मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल हो गई थी लास्ट आर में। तो गाइस, 1102-1103 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है,
सो आप बाय करके चल सकते हैं। 1111 1121 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल नहीं आए तो गाइस परसों तक आ जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि गाइस अगर कल मार्केट नीचे ही खुलती है और नीचे जा रही है तेज़ी से, सो आपको इन काउंटर्स में ट्रेड नहीं करना, और जब तक ये बाय लेवल के ऊपर सस्टेन ना करे तब तक आपको इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में काम नहीं करना होगा। ICICI प्रूफ बाय करने की सलाह दी जाएगी। 383 करंट मार्केट प्राइस है, 385 के ऊपर निकलता है तो हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करना है। 388 का टारगेट, 392 के टारगेट के साथ आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। 380 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और गाइस आप अपने जो स्टॉप लॉसेज हैं उसे ट्रेल करते रहिए हायर साइड में, क्योंकि वॉलेटाइल के सेशन में चलते चलते हो सकता है कि ये अपने स्टॉप लॉस को मिट कर जाए टारगेट हिट करने के बाद। तो गाइस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, अगर फर्स्ट टारगेट कंप्लीट होता है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप फर्स्ट टारगेट की तरफ के पास ले जाइए और आप सेकेंड टारगेट की तरफ जाने की कोशिश करिएगा। तभी ऐसा ना हो कि आपने फर्स्ट टारगेट मीट कर लिया, आप सोचे कि मैं होल्ड करके रखता हूँ सेकेंड टारगेट के लिए, और आपने स्टॉप लॉस वही मेंटेन करके रखा हो और वहाँ से वो स्टॉप लॉस आ जाए। तो गाइस फर्स्ट टारगेट मेंटेन हो तो स्टॉप लॉस आपका कब होगा, जो लेवल से आपने बाय कर रखा है, और तब आप सेकेंड टारगेट के लिए मीट करेंगे। अब हम बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में पोजीशन बन रही है और किस तरीके से इस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग हुई थी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। अब हम मैं आपको एक बार क्लियर व्यू एक बार और दे देता हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी दिया था। आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक ने यहाँ से फॉल करी थी, ये देख सकते हैं यहाँ से इसने एक पर्टिकुलर फॉल करी। फॉल करने के बाद हमने देखा ये पर्टिकुलर ये इस काउंटर में चला गया, ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसने फॉल करी, यहाँ पर एक इसने रेंज बनाई और रेंज बनाने के बाद हमने देखा है कि यहाँ पर दोबारा फॉल आ गई। फॉल आने के बाद हम देख रहे हैं कि 200 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि 11,297 11,300 का लेवल है, वहाँ पर 2 दिन जाके सस्टेन कर चुका है। आप देख सकते हैं कल जो गिरावट आई थी और आज जो गिरावट आई है वहाँ जाके 11,300 पे सस्टेन कर चुका है। सो 11,300 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है क्योंकि वो 200 दिन का मूविंग एवरेज है। अब मैं थोड़ा जूम करना चाहूँगा, जूम करने के बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि किस तरीके से 2 दिन में ट्रेडिंग सेशन हुई है। आप देख सकते हैं जो प्रीवियस कैंडल थी, जो या कि मंडे की कैंडल थी, मंडे की कैंडल में जो इसने लो मारा था 11,300 का एग्जैक्ट मारा था, आज की कैंडल में जो इसने लो मारा है 11,300 का मारा। जिस पर्टिकुलर स्टॉक में हाई था, अगर हम बात करें इंडेक्स में जो प्रीवियस डे को मंडे को इसका जो हाई था वो उसका हाई था 11,400 का, और आज के ट्रेडिंग सेशन का भी हाई था 11,400 का। यानी कि आज के ट्रेडिंग सेशन में इस पर्टिकुलर इंडेक्स को, यानी कि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं करी, ना प्रीवियस कैंडल को नीचे की तरफ तोड़ा। हम देखें कि ये जो 100 पॉइंट की रैली थी, जो प्रीवियस हमने देखा था मंडे के ट्रेडिंग सेशन में जो 100 पॉइंट की रैली थी, उसी के अंदर आज भी ये ट्रेड करते रहा इंडेक्स। सो अब आप देख सकते हैं कि दूसरी चीज़ क्या गौर करने वाली है। प्री मंडे को हमने देखा था निफ्टी 11,340 11,350 के आसपास जाके इसने क्लोजिंग दी थी, और आज निफ्टी ने कहाँ जाके क्लोजिंग दी है 11,321। तो इसका एस्टिमेट ये निकल के आता है कि 11,300 से 11,400 के बीच में अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि जो क्लोजिंग हो रही है वो लोअर लेवल्स में हो रही है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कैंडल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी 11,420, अगले दिन क्लोजिंग हुई 11,440, अब अगले दिन आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग हुई 11,430। सो हम देख रहे हैं कि नीचे जा रहा है और साइड बाय साइड हम देख रहे हैं लोअर लेवल्स पे ही क्लोजिंग होते हुए हमें देखने को मिल रही है। सो अभी हमारे लिए जो एक रेंज के निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 11,300 से 11,400। जिस ऊपर हम देखेंगे ब्रेकआउट देखने को मिलता है, अगर हम 11,400 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं और अगले दिन उसके ऊपर हम सस्टेन करते हैं, सो हम अपनी एक बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। या फिर अगर ये 11,300 का लेवल तोड़ती है, जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि ये तोड़ देगी, तो वहाँ से हमारे जो लोअर लेवल्स हैं वो आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और लोअर लेवल्स क्या हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये जो 2 महीने ट्रेंड लाइन्स बनाई हुई है मैं उन दोनों के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम एक और चीज़ पर चलते हैं। जी गाइस मैंने आली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, आपको क्लियर व्यू मिल जाएगा। जी गाइस आर्ली चार्ट में मैंने लगाया हुआ है, आर्ली चार्ट पे आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर काउंटर ने यहाँ पर भी हमें एक देखने को सपोर्ट देखने को मिला था ये इस रेंज के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सा रेंज थी, और ये जो नीचे वाली हम देख रहे हैं जो एक ट्रेंड लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो इस पर्टिकुलर यहाँ का हम देख सकते हैं एक सपोर्ट थी। अगर मैं यहाँ पर इसे जूम करता हूँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 2 दिन काम करा है। जी गाइस, देख सकते हैं यहाँ कल के ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ इस पर्टिकुलर कैंडल ने गिरावट दिखाई और एग्जैक्ट इस सपोर्ट पे, इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे जाके इसने अपनी शेडो छोड़ी और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके आली चार्ट पे इसने क्लोजिंग दी। उसके बाद हमने क्या देखा कि उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करी आली चार्ट में, हमारे लिए एक बाइंग लेवल बनता था, पर हमें वेट करना था अगली कैंडल के लिए। जिस तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ कि गाइस अगर ये उसके ऊपर निकला है तो हमें देखना है कि वो वेट कर रहा है नहीं वेट कर रहा है। हमने देखा वेट नहीं करा, दोबारा नीचे आ गया और इस तरीके से इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर ही ट्रेड करते रहे। हम हमारे लिए एक ये रेंज निकल के आ गई है, मैं आपके लिए एक बार ये रेंज बता देता हूँ। ये 11,400 से लेकर 11,300 की रेंज है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब डेली चार्ट में चलते हैं। डेली चार्ट में मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से पर्टिकुलर इंडेक्स नीचे आया, रेंज बनाई और दोबारा नीचे आया। अब गाइस मैं यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाना चाहता हूँ और आप देखिएगा किस तरीके से हमें अपने टारगेट्स पता चलते हैं। जी गाइस, मैंने यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट बना दी जहाँ पर इसने एक ड्रॉप दिखाया था। ड्रॉप दिखाने के बाद हम देख रहे थे कि यहाँ पर इसने एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद दोबारा एक ड्रॉप आया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस फिबोनाची का जो 161.8% का रिट्रेसमेंट लेवल है, क्या दिखा रहा है, वन रिट्रेसमेंट लेवल आप देख सकते हैं 11,140, 11,130 का लेवल। ये पर्टिकुलर स्टॉक, ये सॉरी ये पर्टिकुलर इंडेक्स यहाँ तक जा सकता है अगर ये 11,300 के लेवल को ब्रेक करता है। और नेक्स्ट होगा, सबसे पहले टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 11,200 का ही है गाइस। नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो 11,130 का होगा। क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये है, आप देख सकते हैं ये एक ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न फॉर्म कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से इसने फॉल दिखाई, फॉल कितने पॉइंट से दिखाई है, 12,000 से लेकर आप देख सकते हैं 11,450, यानी कि हम मान के चल सकते हैं 550 तक की इसने मूवमेंट दिखाई है, फॉल दिखाई है। अब आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर का हाई 11,700 से अगर हम मान के चले 550 पॉइंट माना माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है, 11,150। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये पर्टिकुलर इंडेक्स 11,300 को ब्रेक करता है जो कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये दोबारा अपने लोअर लेवल्स में जा सकता है जो कि 11,150 का लेवल है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ से इसने नीचे आया, आप देख रहे थे ये इसने रेंज बनाते गया हायर साइड में, और हायर साइड से जहाँ से इसने फॉल दिखाई वो क्या है आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर की आपको जो लाइन दिख रही है वो है 50 डे EMA। एग्जैक्ट 50 डे EMA पे जाके ये इसने हाई मारा अपने, अगर मान करे इस चैनल के अंदर, और वहाँ से एक फॉल आई। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें इस हाई को कंपेयर करें फिबोनाची से, तो एग्जैक्ट 50% रिट्रेसमेंट लेवल था इस फॉल का, वहाँ तक ही गया और दोबारा एक फॉल आ गई। सो गाइज ये एक परफेक्ट ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न बना सकता है अगर ये अपने इस लेवल पे आता है, तो जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि ये इस लेवल पे आ सकता है। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, एक मैंने शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ये मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन है। आप मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन पे देख सकते हैं कि गाइस यहाँ पर जो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये पर्टिकुलर काउंटर यहाँ पर है इंडेक्स, कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर कैंडल बनाएगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कल एक दिन और कंसोलिडेट करता है 11,300-11,400 के आसपास, फिर हम देखते हैं अगले दिन के ट्रेडिंग सेशन पे ये गिरावट दिखाता है। हल्के करते 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 ऐसे हम देखते हैं कि ये दोबारा 11,130 तक आ जाएगा, और वहीं पर ही इसका एक हम देख रहे हैं कि मीडियम टर्म सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जो कि 11,130 पे है। दूसरी बात गाइस, जिस तरीके से अभी आपको मैंने बताया कि सबसे पहला टारगेट जो इसका गिरावट में होगा 11,200 का होगा, क्यों, क्योंकि वीकली चार्ट में यहाँ पर 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है, 50 दिन का मूविंग एवरेज है 11,200 पे। 11,200 एक इसका इंपॉर्टेंट लेवल है,
और नेक्स्ट टारगेट जो इसका होगा 11,130, 11,100 करने में, जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट सेम पैटर्न बना है, पर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव चीज़ ये है और एक नेगेटिव चीज़ है। पॉजिटिव चीज़ ये है कि अभी तक बैंक निफ्टी ने अपने 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करा, तो हो सकता है कि ये पर्टिकुलर यहीं पर ही जाके सपोर्ट ले ले बैंक निफ्टी, और जो इसकी नेक्स्ट गिरावट आए वो आए 28,000 के लेवल पे। सो गाइस, मैंने आपको निफ्टी में जैसे बताया कि सपोर्ट मिल सकता है 50 EMA हमें, जो कि है 11,200 का लेवल, वहाँ से फॉल आती है तो 11,100 जा सकता है। और हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में पहला फॉल आ सकता है, वो आ सकता है 28,760, और सेकंड फॉल आ सकता है 28,000 का लेवल। तो इससे एस्टिमेट ये निकल के आ रहा है गाइस कि अगर 100 पॉइंट निफ्टी गिरेगा, सो हम वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 300 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरेगा और 400 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरेगा। तो आप देख सकते हैं कि 100 पॉइंट अगर निफ्टी गिरता है तो उस इंट्राडे के दिन 400 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर सकता है, तो उस तरीके से हमारे टारगेट्स मीट होंगे। पर अगर हम AB=CD पैटर्न की बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तो वो कब का मीट हो चुका है। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने यहाँ से यहाँ तक की गिरावट दिखाई, उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोबारा एक रेंज में चला गया और दोबारा एक गिरावट दिखाई। ये जो आप एक फॉल देख रहे हैं गाइस, और आप देख रहे हैं कि मैंने ये जो ट्रेंड लाइन बनाई हुई है एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन पे, जो कि इसका गैप था, ये जैसे ही इसने गैप फिल करा अपना इस लेवल पे 29,500 का लेवल, वहाँ पर जाके इसका AB=CD पैटर्न कंप्लीट हो गया था। सो वहाँ से कम इसे एक अपमूव देनी चाहिए थी क्योंकि ये पैटर्न कंप्लीट हुआ, पर हमने देखा एक शार्प फॉल और नीचे आ गई तो पैटर्न नहीं कंप्लीट हो पाया। तो एक हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने AB=CD पैटर्न को निगलेक्ट करा और दोबारा और डाउन साइड आ गया। सो बहुत केयरफुली हमें इस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। अगर हम प्रीवियस कैंडल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसने प्रीवियस कैंडल के नीचे ही जाके क्लोजिंग दी है, पूरी नीचे जाके क्लोजिंग दी है। सो बैंक निफ्टी अकॉर्डिंगली वीक है निफ्टी से, सो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में और डाउन साइड लेवल्स मिल सकते हैं। सो आप ज़्यादातर मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर आप पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड ना करिए। RBL बैंक एक परफेक्ट शॉट बनता है, SBI एक परफेक्ट शॉट बनता है, सो इन दो परफेक्ट काउंटर पे आप शॉर्ट करके चल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके वीडियो के नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइड में आपको बेल आइकन दिख जाएगा, बेल आइकन अगर आप दबाएंगे गाइस तो आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करता हूँ आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। सो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और कौन से चेंजेस आप चाहते हैं मेरे इस वीडियो के अंदर, और क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए कौन सी वीडियोज़ बनाऊँ। और गाइस, कल ट्रेड टॉक सीरीज़ की वीडियो आ जाएगी, आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।